खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब अगली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले लालू के घर में फूट बढ़ती नजर आ रही है। कल बड़े बेटे तेज प्रताप के समर्थक सड़कों पर थे। तेज प्रताप ने अपने दो समर्थकों को चुनाव लड़ने के लिए कह दिया था। आज तेजस्वी ने बातों ही बातों में यह मान लिया कि भाई को मनाने में वो नाकाम रहे हैं। पार्टी में हर किसी को हमारे दल में, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो या जनता हो, वो जो है अपना राय देती है। तो लोकतंत्र में सबको आजादी है कि नहीं चुनाव लड़ना। ये बयान नहीं गवाही, गवाही लालू यादव के परिवार में सबसे बड़ी फूट की। कैसे यह बयान परिवार में तेज प्रताप को किनारे किए जाने की गवाही दे रहा है, इसे समझने के लिए पहले देखिए ये तस्वीर। पटना में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को टिकट देने का शनिवार को खुलकर विरोध किया गया। हार रहा है लगातार, नहीं चाहिए ये सपना। हार रहा है लगातार, नहीं चाहिए ये सपना। बड़ा भाई है, भाई का जो परिवार में जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा बड़ा का दर्जा होता है, मालिक वही होता है। और ये जो है तेजस्वी यादव तानाशाही रूप अपनाए हुए हैं। जो आदमी आए और हम लोग का टाइम दिया गया था भोला यादव के माध्यम से मिलने के लिए, वो नहीं बात कर पाए और इनके पास आए तो बेचारे कम से कम दरवाजा खोल के कम से कम तो मिले तो सही। इस बात के लिए हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चल नेता हैं, इनके पास कोई ज्यादा धन संग्रह करने की मानसिकता नहीं रहती है। इन्होंने जो बोलते हैं एकदम स्पॉट देन बोलते हैं और हम लोग इनको बात से बहुत खुश रहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नेता बने या आगे नेता बने, एकदम एकदम इनका हम। जहानाबाद सीट से चंद्र प्रकाश को और शिवर सीट से अंगेश कुमार को टिकट दिलाना चाहते थे तेज प्रताप, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने दोनों उम्मीदवारों को निर्दलीय लड़ने को कह दिया। तेजस्वी जी बोले देखेंगे करेंगे, असमंजस में फिर नाम अनाउंस हो गया सुरेंद्र जी का। अब आए हैं इन लोग का तो अपना चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। इनका 24 तारीख को ये लोग इनका नॉमिनेशन होगा वहाँ से। जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। टिकट बंटवारे के इस विवाद ने लालू परिवार के अंदर की लड़ाई को सड़क पर ला दिया। तेजस्वी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने माना कि तेज प्रताप ने अपनी राय बताई थी, लेकिन दोनों जगहों पर तेज प्रताप की राय नहीं मानी गई। पहली राय दिया था ना भाई, तो लोकतंत्र में सबको आजादी है कि नहीं चुनाव लड़ना। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि लालू जी को टिकट किया। दोनों के बयानों के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों भाई राजनीति में अलग राह पकड़ लें। लेकिन क्या इसका असर 2019 के लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है? बिहार में यादव वोट बैंक करीब 13% है। माना जाता है लालू यादव और उनकी आरजेडी के पीछे ये यादव वोट बैंक पूरी तरह खड़ा रहता है। लेकिन अगर यादव भाइयों में ही तकरार होती है तो 2019 के लोकसभा चुनावों में यादव वोट बैंक टूट सकता है। वही बीजेपी कह रही है दोनों की तकरार हो या ना हो, इससे एनडीए की जीत की संभावना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आरजेडी के लिए प्रचार करें तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं, वो आरजेडी के लिए प्रचार न करें तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं। हम बिहार के अंदर इकट्ठे एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन में महाफूट है। देखना यह भी होगा क्या ये तकरार सिर्फ दो सीटों पर रहती है या और भी आगे बढ़ती है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।